दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया केस खोल दिया है। ये नया मामला दिल्ली जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसके लिए आज केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो आज पेश नहीं होंगे। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया है। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में पहला नोटिस भेजा है। वहीं इससे पहले भी शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8 बार समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। 16 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होने ही पहुंचे थे कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। वहीं इस मामले पर केजरीवाल सरकार के नेता सवाल कर रहे हैं कि जब कोर्ट से जमानत है तो बार बार क्यों समन भेज रही है ईडी? ईडी का समन गैर कानूनी है, बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है?